नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले जैसे हमारी नज़र पड़ती है आपकी हथेली का आकार स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका निश्चित रूप से है और एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। करियर का अगर हम मामला देखें तो जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम रहती हो, या जिसमें जो है बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और कामयाबी बड़ी स्तर की रहेगी। तीसरी ऐसी जो हथेली होती है ये उच्च कोटि का प्रकार माना जाता है, आयताकार, और हल्का जो है चौकोर। आयताकार आपकी सोच को बताता है, आपकी सफलता को बताता है, और चौकोर आपकी उसमें जुझारूपन और मेहनत को बताता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर क्षण का आनंद लेते हैं, हर क्षण का लुत्फ उठाते हैं और बड़े भाग्यशाली ये लोग होते हैं। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। कुछ कमियां हैं हथेली में, उसको दूर करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की पा सकते हैं, इसके पूरे चिन्ह हैं। तो सबसे पहले अगर हथेली में देखें हम, ये आपकी हृदय रेखा है और इस हृदय रेखा पे एक चिन्ह बन रहा है जिसको बड़ा सौभाग्यशाली बताया जाता है, ये है विष्णु तिलक। इस विष्णु तिलक का मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे आपका शरीर बना है, फाइव एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्ट चक्र हैं, अष्ट चक्रों से निर्मित आपके शरीर है, जो आपके शरीर के पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं और पंच महाकोश हैं, नव द्वार हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो बद्री नारायण जी हैं, भगवान बद्री विशाल जी हैं। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। दूसरा, जब भी ऐसा चिन्ह हथेली में दिखे तो एक चीज़ अवश्य होती है, ऐसे लोगों के कुल में कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का एक रूप है नरसिंह भगवान, उसका आशीर्वाद रहता है। और जितनी ज़्यादा ये लोग उनकी शरणागति जाते हैं, अपने क्षेत्र में कामयाबी बहुत बड़े स्तर की पाते हैं, ये निश्चित तौर पे है। और इसको साक्षात विष्णु की कृपा का एक स्रोत माना गया है, कहा जाता है, और जो मैंने परखा भी वो निश्चित रूप से यही है कि ऐसे रूप लोगों के ऊपर विशेष कृपा उनकी होती है। यदि ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति जिनके हथेली में बना हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है ना, अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये लोग, ये एक्यूरेट है कि समाज में खूब लोकप्रियता पाते हैं, सम्मान पाते हैं और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से इनको गिना जाता है, ऐसी स्थिति को ये बताता है। दूसरी, अगर हम बात करें मुख्य चीज़ों पे भी आएंगे, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है ये बहुत लंबी है और इस पे यहाँ पे चंद्रमा का और यहाँ पे मंगल का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी अवस्था वाले जातक बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कल्पना शक्ति इनकी बहुत अच्छी रहती है और हर समय कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका मन जो है एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन इसका ये द्योतक भी है कि अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता भी ये लोग हासिल करते हैं।
लेकिन फिर भी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। और खासकर चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस हो तो कल्पनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, प्रैक्टिकल से ज़्यादा कल्पनाओं को ये दिखाता है। जीवन की रेखा इस प्रकार से हो तो ये स्पष्ट बताता है कि परिवार के प्रति व्यक्ति का समर्पण क्या है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है अपने परिवार का, बहुत सुंदर केयरफुल व्यक्तित्व तो होता है। लेकिन जब धन और करियर की रेखा इस प्रकार से आधी अधूरी हो तो ये करियर और धन के मामले में एक जो कहें हम पूरी तरह से अस्थायित्व तो नहीं दे पाता है, स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है। ऐसे लोगों को इसके लिए उपाय करना चाहिए और इसके लिए खास क्रियाएं होती हैं, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। बहुत सरल होती है, हर व्यक्ति कर सकता है। हथेली स्पष्ट नहीं आई फोटो, फिर भी मैं दिखा दूं। एक जो है मस्तिष्क रेखा के साथ साथ एक रेखा और जा रही है और ये रेखा दोहरी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। ये रेखा कहीं ना कहीं राजयोग देती है। ऐसे में कहा जाता है कि ऐसी जो जातिकाएं होती हैं ये बहुत भाग्यशाली होती हैं। चाहे कितने भी गरीब परिवार में ये जन्म लिए तो भी अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचती हैं, बड़े स्तर तक अपने जीवन को लेके जाती हैं। बौद्धिक स्तर इन लोगों का बहुत अच्छा होता है और सभी प्रकार के भौतिक सुख ऐसे लोग प्राप्त करते हैं, चाहे ये लोग नौकरी करें, व्यवसाय करें या अन्य कोई कार्य करें। कहीं ना कहीं ये दोहरी मस्तिष्क रेखा, क्योंकि हमारा जो कुछ है अपने जीवन में वो अपना ब्रेन ही तो है, अपना दिमाग ही तो है, मस्तिष्क ही तो है, और उसमें दोहरी मस्तिष्क रेखा क्लियर हो तो कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि ये जातिका अपने जीवन में सफल होंगी और अपने दम पर सफल होंगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र के पर्वत पर वीनस माउंट पे वर्टिकल लकीरें हैं, जो कार्य के प्रति आपके जुझारूपन को दिखाता है। जिस कार्य को भी ये जातिका हाथ में ले लेती है, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ती नहीं है, और यही चीज इनकी सफलता की सीढ़ी को तय करती है। लेकिन इसमें एक कमी है, दो कमियां हथेली में बहुत ज़्यादा है, बल्कि तीन कमियां। इन तीन कमियों को सुधारेंगे तो आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे, जो आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एकदम एक्यूरेट आपकी हथेली बता रही है और उसको दिखा रहा है। ये आपकी तर्जनी की उंगली है, इंडेक्स की फिंगर इसको कहते हैं। इसके मूल में बृहस्पति देवता निवास करते हैं। जब ये इस प्रकार से शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं देता है, और जब ये इस प्रकार से जो है थोड़ा कमज़ोर होता है, बैठ जाता है, जबकि इसमें देखो इस प्रकार से जो है वर्ग का साइन बनाता है। जब बृहस्पति पे वर्ग का साइन बनता है तो ऐसे लोगों के अंदर ऐसा ज्ञान होता है कि उसकी ये टीचिंग तक दे सकें, कुशल प्रशासक के ऐसे लोगों के अंदर गुण होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से सामान्य भाव में आ जाए, साधारण अवस्था में आ जाए, तो आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश करता है, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जाता है। हालांकि जो नेचुरल गुण हैं, हंसमुख स्वभाव, दयालुता, दूसरों की मदद करने की बहुत ज़्यादा भावना, ये बनाए रखता है, और ऐसे लोग करते भी हैं, निस्वार्थ भाव से जो है दूसरों के ऊपर की परोपकार की भावना रहती है, मदद करते हैं। जो इनको मन को ठीक ठाक बैठ जाए कि ये व्यक्ति सही है, तो उसके लिए वो अपना कुछ नहीं देखते, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, ना अपनी प्रतिष्ठा देखते हैं, बस उसकी भलाई करने में लग जाते हैं। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहता है, यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव को बढ़ा लेता है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। लेकिन देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में, मैं हस्तरेखा की बात करूँगा, कुंडली या जन्म पत्रिका या अंक ज्योतिष की बात नहीं करूँगा, हथेली में एक्यूरेट दिखता है, और ये आप भी देख रहे हैं इस भाग को, यहाँ पे ये बैठा हुआ नज़र आ रहा है।
और जब ये इस प्रकार से नज़र आए आपकी हथेली में, जो भी वीडियो देख रहे हैं बड़े ध्यान से देखिएगा, तो ये बताता है कि आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या मिल भी जाए तो आप उसको सही ढंग से यूज नहीं कर पाते हो। ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है और बृहस्पति इस प्रकार से है, तो विवाह होने में देरी होती है, अड़चने आती है, और विवाह हो गया हो तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ये खड़ी करता है। ऐसे में आपको कई बार संतान को लेकर चिंताएँ होती हैं, ऐसे में पैतृक संपत्ति का उस प्रकार से लाभ नहीं मिलता है जिस प्रकार से मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं धन को लेकर कई बार ये संघर्ष की स्थिति को देता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उसको मध्यम स्थिति में रखता है। और ऐसे में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता है, मनी सही दिशा दिखाने वाला समय पर नहीं मिल पाता है, और जीवन में कई बार ये संघर्षों की स्थिति को भी पैदा करता है, और कई बार व्यक्ति को लगता है कि अपने आप को अकेला महसूस वो व्यक्ति करता है। ये इस प्रकार की स्थितियों को दिखाता है। और कुछ खास क्षेत्र हैं जो बृहस्पति के अधीन है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अगर व्यक्ति इसमें अपना करियर बना रहा है, काम करने की सोच रहा है, तो चीज़ें मध्यम स्थिति में आती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बृहस्पति को ठीक करना है। अगर आप बृहस्पति को ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और इसको ठीक कैसे करना है, मैं उपाय लिख के दे दूँगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना विश्वास मानते हैं, कितना करती हैं या नहीं करती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात देखिएगा, आपका ये मन, चंद्रमा मनसो जायता है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, ठीक है ना। और यहाँ पे चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है। जब चंद्रमा हल्का भी अनबैलेंस रहता है तो कई बार ये मन को गड़बड़ करता है, मन गड़बड़ रहता है, कई बार ये मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित करता है, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली थोड़ा परेशान रहता है। कभी कभी व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, काम यहाँ कर रहा होता है, मन किसी दूसरी जगह रहता है, या कार्यों में मन की एकाग्रता भंग हो जाती है, जो फोकस रहना चाहे उसमें कमी आती है। कई बार मन का भटकाव होता है, उचाट होता है, मन खराब सा रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है। और ऐसे लोगों को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए, हार्मोनल सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। मन सही नहीं होगा तो पेट की समस्याएं आएंगी, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जब ये नेगेटिव होता है, माँ को लेकर चिंताएँ बनती हैं, माँ के सुख का व्यक्ति पूरी तरह से जो है उसका फ़ायदा नहीं ले पाता है, और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में आ जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। तीसरी कमी क्या है हथेली में, मैंने बहुत अच्छे चिन्ह भी दिखाए, आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन आपकी हथेली में अगर आप देखें तो जो मुझे दिख रहा है इस पिक्चर में, जाल दिखाई दे रहा है, रेखाओं से बना हुआ ग्रिल। जब हथेली में रेखाओं का जाल बनने बैठ जाए तो ये शुभ नहीं माना जाता है, हस्तरेखा में अगर देखें तो विशेषकर। ये सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे, ये जीवन में उलझने खड़ी करता है या जीवन को उलझन में डालता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुविधा में आ जाता है, कई बार कन्फ्यूजन में रहता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियाँ खड़ी करने का काम करता है।
जरूरी नहीं होगा, लेकिन करने का कार्य करता है और धीरे धीरे इसमें प्रभाव देता है। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ता है। आपकी हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा नहीं टिकता है। जितना आप सेविंग करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है। और जिस महीने आप ये सोचते हैं इस महीने बचाना ही बचाना है, कोई बड़ा काम आकर आपके सर के ऊपर पड़ जाता है, तो कर्जा लेके इस चीज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो आर्थिक रूप से ये आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जाता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है और इस नेगेटिव ऊर्जा आपकी नींव की जो जड़ें हैं उनको खोखला करता है और आपका जो शानदार जीवन है उसमें समाहित करता है और उसके महत्व को ख़त्म करने की कोशिश करता है। सबसे पहले व्यक्ति को इसी से बचना चाहिए और बहुत सरल है बचना इन चीज़ों से। इसके लिए एक वनस्पति स्नान बताया गया है हमारे पौराणिक शास्त्रों में। वनस्पति स्नान मानी एक छोटी सी प्रक्रिया, आप रोज स्नान करती हैं, एक छोटी सी प्रक्रिया मैं दे रहा हूँ वनस्पति स्नान की। आप वनस्पति स्नान कुछ दिनों तक कीजिएगा और फिर दो क्रियाएं और दे रहा हूँ मैं उसके साथ साथ, एक दिव्य सूर्य क्रिया। आपका शरीर अष्टाचक्रों से निर्मित है, ठीक है ना, उसमें से सात मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। और जब ये तालमेल से अनबैलेंस हो जाते हैं तो व्यक्ति का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसमें थोड़ा गड़बड़ होती है। व्यक्ति की जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं, व्यक्ति के जीवन का जो उत्साह है, व्यक्ति के जीवन की जो ऊर्जा है, वो अनबैलेंस हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए इन अष्टाचक्रों को दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है उसी विधि से कम 3 महीने तक करें तो लाभ होगा। इसका प्रोसीजर 3 महीने तक का है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा मैं आपको, एक प्रकार का छोटा सा प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इसको जरूर करिएगा, ठीक है ना। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आपको, जो आपकी हथेली विशिष्ट रूप से बता रही है। आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो कान खोल करके रखें, आँख कान खोल करके रखें, अंधी श्रद्धा न रखें। इससे गुरु जो है आपका जो है कमज़ोर हो जाता है। आजकल लोग है ना, कोई भी जो है व्यास है, कथावाचक है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेता है, लोग हो जाते हैं कि बस इसके समान कोई है ही नहीं, ठीक है ना, वो किसी के रूप में भी आ जाता और व्यक्ति वहीं सेवा करने बैठ जाता है, उससे उसका गुरु कमज़ोर होता है। परख करके, क्योंकि हमारा अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें और ख़ासकर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हर किसी को गुरु नहीं मानता हूँ। हमारे अपने कुल पुरोहित होते हैं, जो वंश परंपरा चली आ रही है, जो हमारे परिवार का जो है एक परंपरा है, जो जिसको हम कहते हैं कि एक परंपरा ही चली आ रही हो, ठीक है ना, परिवार की एक परंपरा होती है, उसका जो है अपना हिसाब किताब होता है, तो उसी के अनुसार ज़्यादातर व्यक्तियों को करना चाहिए। अगर गुरु भी आप अलग से पकड़ना चाहते हैं तो उस गुरु को पकड़िएगा जिसके अंदर आपको दिव्यता नज़र आए, और बड़ा रिसर्च करके, बड़ा सोच समझ करके, ईश्वर को साक्षी मान करके उसको पकड़िएगा। नहीं तो आपका गुरु कमज़ोर होता है और आपके अंदर जो प्रतिभा होती है उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मिल भी गया तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं, चीज़ें निखर करके उभर करके नहीं आ पाती हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें निखर के नहीं आती, उभर के नहीं आती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। आपकी हथेली में सब कुछ ठीक हो फिर भी वो कामयाबी आपको हासिल नहीं हो पाती है जो आपको मिलनी होती है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी।
थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों को विस्तार पाने की चाह रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियाँ बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके महत्व को आप जानेंगे। और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही रहेगा, केवल धन कमाने का नहीं बल्कि धन के साथ यश कमाने का। आप जानती हैं केवल अगर जीवन में धन होगा, सम्मान नहीं होगा, वो धन किसी काम का नहीं होगा। और केवल जीवन में सम्मान होगा, धन नहीं होगा, तो वो सम्मान बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। ये आप जानती हैं और यही आपका लक्ष्य रहेगा। सबसे छोटी उंगली इसकी तरफ झुक रही है, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में तथा कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी को दिखा रहा है। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक इसका नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दो रेखाएं हैं। ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि गुरु के प्रसन्न होने पे और चंद्रमा के विशिष्ट अवस्था में आने पे आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आएगा, इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना है। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली व्यक्तित्व है आपका। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और धन के लिए आपका ये अंगूठा विशेष प्रकार की चीज़ें कह रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में भी विशेष सफलता की प्राप्ति करवा रहा है। जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आपको अचानक बड़ी सफलता मिले, इसके लिए आपको अपना चंद्रमा को और अपना बृहस्पति गुरु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। केतु का अगर माने, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के बल पे ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। शुक्र का पर्वत अगर हम देखें, शुक्र ग्रह आपका बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नए प्रकार की मार्केट में कोई चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है, अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। और ये आपको आगे ग्लैमर बहुत अच्छा देगा, चकाचौंध स्थिति में ले जाएगा, नाम और यश देगा, ये स्पष्ट है। अभी थोड़ा सा अगर इसको देखें, थोड़ा सा जो है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभी पूर्णता नहीं है, कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी थोड़ा सा जो सुख की वास्तविक स्थिति आनी चाहिए उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, लाभ होगा। निम्न मंगल अगर देखें तो ये कभी कभी कन्फ्यूजन, दुविधा और उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ी सी कमी कर रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, किसी से भी आप मिलेंगी वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति के बारे में मैंने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो शनि में अगर ये बन जाता है तो शानदार, लाभ ही लाभ है और इसमें चिंता की बात नहीं। ये थोड़ा सा उभर गया है तो बेवजह की कभी कभी चिंताएँ देता है या कोई न कोई वजहें बनाता है जिसके लिए थोड़ा चिंता देता है, और सुबह उठने में आलस्य जरूर देगा, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य मिट जाएगा। सूर्य की स्थिति भी धीरे धीरे बहुत अच्छी आ रही है, ये आपको ब्रांड बनाकर उभारेगा। ऐसा होता है ना कोई कि उसके चेहरे पे लोग पैसा लगा लेते हैं या इंडस्ट्री में ऐसा चमक जाता है अपना कि उसी के नाम को जाना जाता है। तो सूर्य इस स्थिति में दिव्य सूर्य क्रिया करें। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छा रहेगा।
कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफलता होगी, उत्कृष्टता हासिल होगी। और ये पैकेजिंग का मालिक भी है। देखिएगा, बुद्ध हमेशा त्वचा को दिखाता है। ऐसे लोगों की त्वचा ये खूबसूरत करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इनके अंदर ये दिव्यता देता है, एक भव्यता की प्राप्ति करवाता है। तो बुध आपका बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ होगा। चंद्रमा के बारे में मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।